भव्य रैली के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? ऐसा लगा जैसे अयोध्या आ गया है हमारा, अयोध्या आ गया। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लग? जय श्री राम। हम कैसा लग रहा है इस भव्य रैली को देखते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हुंकार रैली है, ये जय राम नाम के, जय श्री राम के भगवान के नाम पर ये हुंकार रैली है। हम हमारे रामनवमी हिंदू वर्ष के लिए बनाया जाता है और रे हुंकार रैली है हमारी। और हम हरिओम मिश्रा जी का भी राष्ट्रीय एकता का भी स्वागत करते हैं, अखिल भारतीय युवा मोर्चा का भी स्वागत करते हैं। ये कैंप लोग रामलीला मैदान, जब तक जीते रहेंगे हम राम का नाम लेते रहेंगे हम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज रामनवमी के मौके पर डाला जा रहा है, क्या कहेंगे भव्य? कहना चाहेंगे सारे लोग जुड़ो और साथ दो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज जिस तरीके से देश भर में, जय श्री राम, जिस तरीके से देश भर में हिंदू एकता बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? आज देश भर में, अरे यार, हिंदू एकता जो बढ़ती, अब जो हिंदू एकता बढ़ रही है उस पर क्या ये कहेंगे कि सारे जुड़ के रहो, एक साथ भाई भाई का है, सारे भाई जुड़ के रहो, सारे भाई जुड़ के रहो, यही कहना चाहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम का ब्रांड है इसलिए सब आए हैं। राम एक ब्रांड है जिसकी वजह से सारे इकट्ठे हुए और जिनका एकता खुली, एकता हो भव्य रैली आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे इस भव्य रैली के बारे में? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये पता लग रहा है कि हिंदू भी हैं, कि हमें दिल में वो लगता है कि हाँ हम भी कुछ हैं। ये हमारे देश की शान है, ये हिंदुस्तान हमारा है। बोलो जय श्री राम। हिंदू है सबको ये बताओ, हिंदुस्तान में अभी भी हिंदू है? हिंदुओं को जागना चाहिए, लेट्स गो। हिंदू धर्म की एकता बढ़ रही है, हमें ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। देखिए यहाँ पर जहाँ एक तरफ रामनवमी के मौके पर तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से और तमाम जो लोग हैं वो रैली, भव्य रैली निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खासा सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इन तमाम चीज़ों को, सुरक्षा के माहौल को देखते हुए ही यहाँ पर इस तमाम सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ रखा गया है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने 2022 में रामनवमी के मौके पर ही देखा था कि किस तरीके से इसी भव्य रैली के ऊपर जो है पत्थरबाजी की गई थी। और आज तमाम चीज़ों, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है क्राइटेरिया जो है वो भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, इन तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जिनकी तरफ से इस भव्य रैली का आयोजन किया गया है, उन्हें एक सीमित एरिया दिया गया है कि आप इतने ही एरिया में जो है वो इस रैली और इस कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं उन्होंने एक पार्क के अंदर ही इस तमाम जो प्रोग्राम है, ये जो भव्य रैली का आयोजन है वो इस पार्क के अंदर किया है और इसी के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, क्योंकि यही वो रोड है जहाँ पर लास्ट ईयर भी हमने तमाम चीज़ों को देखा था। पर आज सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ का जो है वो यहाँ पर ध्यान रखा गया है, और इसीलिए देखिए पार्क के अंदर जो है वो इन तमाम चीज़ों का आयोजन किया गया है। और इसी के अंदर आपको हजारों लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जो लगातार जय श्री राम के नारे उन लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। एक तरफ आपको तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे रामनवमी के मौके पर, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस से लेकर तमाम चीज़ों का ध्यान भी रखा गया है। और यहीं पर हम उस जगह पर खड़े हैं और यहीं पर देखिए अगर चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो यहाँ से भव्य तरीके से तमाम चीज़ों को सजाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री हनुमान की मूर्ति भी यहाँ पर रखी गई है, और यहीं से आप बलून्स वगैरह और तमाम चीज़ों की जो जाए, अब जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका है और जितने भी लोग हैं अब वो अंदर से बाहर जो हैं वो अंदर से बाहर आने लगे हैं, और इस भव्य रैली का आयोजन जो है वो सवेरे से
हुआ हुआ था, अब जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से निकलने लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि तमाम लोग किस तरीके से अंदर से ये अब बाहर की तरफ आ रहे हैं। जो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान है वो रखा गया है, जहाँ एक तरफ सजावट और तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को देखते हुए भी यहाँ पर पुलिस और CRPF की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो लोग हैं। सर, इस मौके पर क्या कहेंगे, भव्य रामनवमी के त्यौहार का इस तरीके से मनाया जा रहा है? मैम, इन्होंने सब खराब कर रखा है। ये दिल्ली पुलिस ने, ये यहाँ के नेता हैं, उन्होंने सब करा रखा है। ये हिंदू का त्यौहार एकदम बेकार कर दिया उन्होंने। ये चाहते नहीं हिंदू तरक्की करे, हिंदू त्यौहार बनाए, हिंदू कुछ भी करे। जब हिंदू का तो कोई त्यौहार आता है तो इस चीज़ सब करते हैं, कहते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हिंदू के त्यौहार में सारे काम इनके करते हैं। कभी दबाया जाता है। मैम क्या करें, के बावजूद भी सनातन में अब एकता दिखाई दे रही है। आप देख रहे होंगे कि क्राइटेरिया के बावजूद भी हजारों लोग मौजूद हैं। आज रामनवमी के मौके पर ये भव्य रैली भी निकाली गई, तो उस पर क्या कैसा फील हो रहा है? मैडम, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये तो पूरे हिंदुस्तान में बना है। श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है। इनको दिक्कत हो रही मंदिर बनने में भी, हम तो और बना रहे हैं, इनको दिक्कत हो रही है। ये क्यों हो रही दिक्कत, तो ये इनसे पूछ रहे क्यों हो रही है इनको। हम तो हिंदू है, हम तो और बनाएंगे अपना। आज देश की राजधानी के अलावा अलग अलग राज्यों में आज रामनवमी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। मैम, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के अंदर रामनवमी मनाई जा रही है और श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस एकता को लेकर के? आज तो सारे एक है, देखो पता लगाया कि हिंदू धर्म भी जाग रहा है। हिंदू भाई हमारे जुट रहे हैं, एक साथ मतलब जुड़ रहे हैं। अगर यही ऐसे ही एकता दिखाते रहेंगे तो हिंदू धर्म और मजबूत होएगा और हिंदुस्तान की माँ एकता जुड़ती रहेगी। हाँ जी, यही हमारे लॉ एंड ऑर्डर कैंसिल क्यों करे? 2 दिन पहले बताया है, रैली का सब कुछ हो रखा था, फिर भी ये तो गलत है ना कि लॉ एंड ऑर्डर कैंसिल करा हमारा। अब कितना वो कर रखा था कि कितनी बड़ी रैली निकालेंगे, बेइज्जती तो हमारी हुई है। ये बताओ की बात नहीं, बात क्या है कि लास्ट ईयर जिस तरीके से चीजें थी उन तमाम चीजों का सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा भी हम वो भी मानते हैं, हमने कोई रूल तो तोड़ा नहीं है। अब प्यार से, अब अंदर भी हनुमान चालीसा चल रहा है, प्यार से इधर गए इधर गए, वही चीज चल रही है। अब भी आज त्यौहार तो मनाया जा रहा, तो कैसा फील हो रहा है? नहीं, बड़ी खुशी हुई है हमें। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आज त्यौहार मनाने का दिन है, प्रशासन को त्यौहार मना देने चाहिए। इसमें थोड़ा सी छूट देनी चाहिए, ढिलाई देनी चाहिए प्रशासन को, जिसमें हम लोग का हौसला और खुशी जाहिर हो सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पर जो है तमाम लोगों की तरफ से जो है त्यौहार और जो भव्य यात्रा है वो तो मनाई जा रही है, पर वहीं इसी के साथ कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि पहले की तरह जो है वो हम नहीं भव्य रैली को नहीं काल पाए हैं, कि हम 2 से 3 किलोमीटर चल के जाते थे, पर इस बार जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्राइटेरिया दे दिया गया है। और वहीं पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक सीमित जगह जो है, यानी कि एक जगह जो है उसी सीमित यानी कि उसी दायरे में जो भव्य यात्रा है वो निकाली जा रही है, तो उसी को लेकर कुछ लोगों की शिकायत है। पर उसके अलावा भी आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ लगातार खुश नजर आ रहे हैं। जय श्री राम से लेकर तमाम नारे जो हैं वो यहाँ लगाए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़े जो हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज अगर रामनवमी के त्यौहार की अगर हम बात करें, इसी रैली की बात करें, तो एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में इस भव्य रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस जो है, देखिए यहाँ पर झंडे जो है भगवान श्री राम के, सनातनों के, वो झंडे जो है लगातार इन्हीं झंडों को लेकर इन लोगों की तरफ से ये जो है पैसा खत्म हो गया है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो है जो भव्य रैली का आयोजन किया गया था उसका पूरी तरीके से समापन हो चुका है। जितने भी जो झंडे थे इनके पास, जय श्री राम के झंडे जो हैं, अब उन्हें तमाम चीज़ों को एक जगह पर रखने जो है ये तमाम लोग जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि इन झंडों को लेकर अब जो है एक जगह पर रखा जा रहा है, क्योंकि अब ये जो प्रोग्राम है यानी कि ये जो भव्य रैली इन लोगों की तरफ से निकाली गई थी, अब उसका पूरी तरीके से जो है हो चुका है। और तमाम जो भक्त लोग हैं यहाँ से जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, और वहीं से झंडों को लेकर जो लोग हैं वो अब इन्हें रखने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आयोजन का समापन जो है वो हो चुका है, और कुछ लोग इस समय पर हमें रोड पर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। देखिए यहाँ से लोग जो हैं वो जाने लगे हैं,
और जिस तरीके से लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर खुशी भी मनाई है और लोगों का ये कहना भी है कि काफी ज्यादा खुश जो है वो इस मौके पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ झंगेपुरी का ये वही इलाका है, वही सी ब्लॉक है जहां 2022 में इसी रामनवमी के जो जिस तरीके से पदयात्रा के दौरान जो है वो पत्थरबाजी से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी गई थी। तो इस बार जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम चीज़ों का सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यहाँ तक यानी कि जो पैदल यात्रा यहाँ तक आनी थी उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। तो वहीं आप दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे कि इस पैदल यात्रा को वहीं तक रोक लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से और वहाँ जो तमाम जो पैदल यात्रा और जो कार्यक्रम है वो वहीं तक सीमित रहा क्योंकि यही वो लाइन है, यही वो जगह है जहाँ पर तमाम जो है नारेबाजी की इसी के साथ जो पैदल यात्रा यहाँ से रामनवमी के मौके पर निकाली गई। तो यही वो जगह है जहाँ पर पत्थरबाजी इस पैदल यात्रा पर की गई यहाँ रहने वाले तमाम लोगों की तरफ से और उसके पास जिस तरीके की तस्वीरें थी वो आज भी शायद दिल्ली की जनता नहीं भूली है, जहांगीरपुरी के लोग नहीं भूले हैं और शायद उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से ज़्यादा यानी कि इसी पैदल यात्रा को यहाँ तक आने की परमिशन नहीं दी गई। उन्हीं तमाम चीज़ों को चलते हुए यानी कि सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा गया और इस पैदल यात्रा को वहीं तक रोक दिया गया और ये कार्यक्रम वहीं तक संपन्न हो गया। जिस तरीके से लगातार वहीं पर जो मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से जय श्री राम के नारे और चीज़ें जो हैं वो की जा रही है। पर वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस बार जो दिल्ली पुलिस की तरफ से इनकी चीज़ों का ध्यान दिया गया है यानी कि फिर से एक बार जो पत्थरबाजी और जो मंजर है यहाँ रहने वाले जो कुछ लोग हैं जो कुछ शरारती तत्व हैं वो शायद इस तरीके की चीज़ें फिर एक बार दोहरा सकते हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से इसी ये पैदल यात्रा को कुछ ही एरिया तक जो है वो सीमित रखा गया। और पहले मंजूरी की बात भी सामने नहीं आई थी कि कुछ संगठनों की तरफ से VHP से लेकर बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस से जो है जानकारी यानी कि परमिशन मांगी गई जिस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से मना कर दिया गया। और इसीलिए देखिए यही वो एरिया है यहाँ से जो पैदल यात्रा है ये आगे नहीं जा सकी क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से मनाही थी और इसीलिए खासा ध्यान जो है वो रखा गया। और इसीलिए यहाँ पर जहाँ एक तरफ आप CRPF के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान आप मौजूद देख रहे होंगे तो वहीं दूसरी तरफ बैरिगेटिंग भी कर दी गई है इन लोगों को रोकने के लिए, जिस पर कुछ लोगों का जो है वो ये भी कहना है कि इस बार जो है वो भव्य रैली हमने की है पर हमें पैदल यात्रा नहीं करने दी। तो वहीं कुछ लोगों का ये खुशी से जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इस बार जो है वो त्यौहार उन्होंने मनाया है और लास्ट टाइम की तरह जो है वो चीज़ों को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है क्योंकि यही वो सी ब्लॉक है जहाँ पर पहले जो है वो रामनवमी के दिन पैदल मार्च पर यानी कि इसी पैदल यात्रा पर जो है वो पत्थरबाजी की गई। तो वहीं दूसरी तरफ उसके बाद जो MCD से लेकर तमाम कार्रवाई भी इसी जगह पर देखी गई थी और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से खासा ध्यान जो है वो दिया गया है सुरक्षा और तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही परमिशन नहीं दी गई थी। और उसके बाद क्राइटेरिया यानी कि एक लिमिटेड सीमित जगह तक ही इन लोगों को वहां तक रखा गया और आप देख रहे होंगे कि वहां से जो तमाम लोग हैं वो अब आगे की तरफ जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम और जो यात्रा थी वो उसका समापन हो चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज जो रामनवमी के मौके पर पैदल यात्रा निकाली गई एक तरफ दिल्ली पुलिस तो वहीं दूसरी तरफ खासा ध्यान रखते हुए आज ये तमाम जो चीज़ें हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुई है रामनवमी के दिन, जो कि एक अच्छा दिन भी है और अच्छी तरीके से जनता खुश भी है। लगातार जय श्री राम के नारे और चीज़ें जो हैं वो भी हमने तमाम भक्तों में वहां पर देखी और अब जो प्रोग्राम है उसका समापन हो चुका है।